get your mouth. Hi there, I hope you're fine. तो as you might know, हर घर का एक डिश होता है जो अपनी हमारी फैमिली बनाती है एंड हम बोलते हैं can't get any better than this, this is the best and most tastiest. तो as मेरे घर में मेरी मम्मी makes amazing पूरे छोले as per me, हर एक के अलग अलग thoughts होते हैं. तो आज के इस वीडियो में I'm going to make छोले भटूरे just to complicate a bit more. तो I trust me, it takes a lot of time to make. तो फटाफट शुरू करते हैं. तो एज यू माइट सी, मैंने यहाँ काबुली चना ले लिया है, ऑल्सो नोन एज छोले. तो आपको जब डालना होता है, यू डोंट नो हाउ मच टू पुट. तो मैं तो अंदर से लगाता हूँ. आई सी माई मदर डूइंग की मुसीबत ऑफ छोले फॉर 1%. तो मैं 4% के लिए बना रहा हूँ, 4 लोग के लिए बना रहा हूँ. सो आई हैव टेकन 4 मुसीबत एंड इसको धोना नहीं है अच्छे से, अभी धो लेंगे इसको. तो एज यू माइट सी, मैं इसको धो लिया अच्छे से एंड नाउ वी विल fill it with water. Approximately अंदर से लगाना पड़ेगा, almost to the top, not fully at the top, almost to the top. Now you might be thinking इतना सारा पानी क्यों डालता है. The reason is because it absorbs water. And इसको ढक के minimum of 12 hours. अगर सुबह रात को बना रहे हो तो सुबह एक फटाफट कर दो, but that's what I'll be doing. तो इसको एक प्लेट से ढक के साइड में, रूम टेम्परेचर पे साइड में कॉर्नर में रख दो untouched. नेक्स्ट वी विल बी मेकिंग द डो. सो डो के लिए दो आपको चीज़ें पहले ही भिगो कर रखनी पड़ेगा. फर्स्ट आई हैव टेकन रवा विच इज सेमोलिना एंड उसमें हमने 1/4 cup ऑफ वाटर डाल दिया एंड सेमोलिना वी हैव टेकन 2 tablespoons. अभी हमने इसको 5 मिनट के लिए भिगो दिया. ईयर भी आप यीस्ट, आप बेकिंग सोडा के साथ भी कर सकते हो, बट फिर उसको भिगोना नहीं पड़ेगा. तो यीस्ट के में ऑफकोर्स वेन यू नो यीस्ट से वर्क करो, शुगर इज देयर. तो 1/2 teaspoon ऑफ शुगर एंड 1/4 teaspoon ऑफ वाटर. तो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डो. फॉर दैट वी हैव 2 cups ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर. इन दैट वी एड 1/4 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1 tablespoon ऑफ वेजिटेबल ऑयल. नाउ यू गिव दिस अ लाइट मिक्स. Now, once you give this a light mix, you add your yeast, which has been activated now, and suji. So now suji, thoda squeeze karke nikalo, because you don't need all the water in it. It just completely dunes the consistency. So suji, thoda squeeze karke nikalo, so that the water doesn't go. And suji is mostly used in such dishes to make it more crispier. So now after adding the suji, give it a very well mix. So now you might think the dough is ready, but no it's not. The dough is supposed to be very tight and very strong as such. This is very loose. So you might be thinking this is a problem, but no, this is a step towards the perfect dough. So now it will be very, you know, loose type. So isko stiff karne ke liye, you might have seen in the halwai shops, they smash the dough. This is the reason now you know why they smash it. You kind of just smash it wildly and you knead it very nicely. So after a lot of hitting and kneading, as you can see, I have a big mess made here. I'll clean that afterwards. So I have bahut acche se knead kar liya continuously for 10 minutes. एंड नाउ मैंने थोड़ा बीच में ग्रीस भी कर दिया बर्तन को, सो दैट इट डजंट चिपको, वो चिपक रहा था बीच में. तो नाउ एक डैम क्लॉथ से वी कवर इट द बर्तन एंड रेस्ट इट फॉर मिनिमम ऑफ 6 hours. सो नेक्स्ट वी आर गोना बी मेकिंग द छोले विच नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक बिकॉज उसका फ्लेवर तभी परफेक्ट होता है. तो फॉर दैट वी हैव टेकन 1 tablespoon ऑफ बटर. In that we'll add 1 teaspoon of jeera, and now we'll wait so that it splutters. So once it starts light spluttering, we add around a pinch of hing, 2 small bay leaves, and around 7 cloves of pepper whole. ये खड़े मसाले डाल रहे हैं, which exactly ज़्यादा flavour extract करता है. We add 1 big elaichi and 3 cloves.
नाउ अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने एक मिक्स दे दिया है एंड नाउ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हम इसको अच्छे से भूनेंगे सो दैट इट रिड्यूसेस द अमाउंट एंड जो अनियन में मॉइस्चर है मोस्ट ऑफ इट इज वाटर थोड़ा उड़ जाए एंड इट विल हैव दैट डार्क ब्राउनिश कलर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लेवर्स। तो नाउ स्लोली फॉर 20 to 30 minutes इसको भूनने दो। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 15 minutes जब से मैंने भून लिया इसको अच्छे से। नाउ आई हैव अ प्योरे ऑफ टोमेटोज जिसमें मैंने 3 medium-sized टोमेटोज दिए थे सो दैट विल ऐड बिकॉज द ऑनियन का भूनना प्रोसेस भूनना कॉम्प्लीट। नाउ टोमेटो क्या भी सेम होगा, ये भी जैसे ऑनियन अच्छे से भुना था वैसे ये भी अच्छे से भुनेगा। एंड गाइस जस्ट टू रिमाइंड दिस इज माय फैमिली स्टाइल ऑफ मेकिंग छोले। हर एक के अलग अलग स्टाइल होता है, दे यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड टोमेटोज एंड ऑल दैट। तो यू कैन मेक योर ओन स्टाइल, ऑल्सो इनोवेट कर सकते हो आप, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो हमारे टोमेटो का भी बहुत सारा मॉइस्चर हो गया है एंड ये भुन गया है। तो नाउ वी ऐड द मसाला। फॉर दैट 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, 1/4 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ चिली पाउडर, 1/4 teaspoon ऑफ गरम मसाला, 1/4 teaspoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर। नाउ गिव दिस अ नाइस मिक्स एंड मसाले को ही थोड़ा 5 मिनट्स के लिए भूनने दो। तो वंस आपके जो मसाला है वो भी मतलब भून गया है, अभी गैस ऑफ कर दो एंड मसाला है। तो गाइस इट हैज बीन अराउंड 8 hours सिंस हमने छोले को भिगो दे एंड एज यू आर सी इट हैज डबल्ड इन साइज बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब वाटर। तो इसको जो पानी है जिसमें है वो वी स्ट्रेन इट आउट एंड वी ट्रांसफर द छोले इन टू अ प्रेशर कुकर। सो आफ्टर स्ट्रेनिंग इट आई एडेड 7 cups ऑफ वाटर इन विच इट विल प्रेशर कुक। With that, we add 1/2 teaspoon of salt. And यहाँ मैंने एक टी अराउंड 1/2 cup of water में आई एड 1/2 cup of lukewarm water में आई एडेड अराउंड 1 tea bag एंड दैट ऑल्सो वी एड बिकॉज इट इज फुल ऑफ फ्लेवर एंड गिव्स दैट नाइस ब्राउनिश कलर टू द चिले। नाउ दिस टी बैग में जो टी होता है इट इज मोस्टली वेरी बिटर एंड इट जस्ट टेस्ट खराब करता है। तो change that bitterness we add 1/2 teaspoon of baking soda, trust me bitterness nikal deta hai so don't need to worry। So guys aapka 580 sa hamare chole ho chuke hai to maine hamare masala ko thoda saute kar liya just to warm it a little bit and now we'll add a pake hue chole in this। So it happened faster than I expected, mujhe laga half an hour to lagega to 10 minute mein ho gaya aur thoda jo chole hai maine mash kiya hai so that it gives a nice flavor also। Now for a bit of like you know sourness I add 1/2 teaspoon of amchur, usko bhi la do and abhi gas off kar do your chole se। So now we'll check door rice by kahin bahut hi mast lag raha hai, rice ho chuka hai। Now we will divide this matlab chote chote balls mein banayenge, जितने भटूरे चाहिए उतने बॉल्स में आप बॉल्स बना। तो हमने छोटे बॉल्स बना दिए और हमने चकला को भी मतलब थोड़ा ग्रीस कर था तेल से, हम थोड़ा तेल लेके बेल को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। इसमें आटा नहीं लगता अदरवाइज उसका जो फ्लफीनेस चल जाता है। तो नाउ एक्चुअली दिस इज सच अ फ्लफी डो, यू कैन जस्ट प्रेस इट एंड एक्सपैंड इट, बट इफ यू स्टिल वांट टू यूज अ बेलन यू कैन। नाउ रिमेंबर दिस एक्सपैंड, तो छोटे ही करो, इट डिपेंड साइज आपको कितना चाहिए एंड नाउ इसको एक अप्रोप्रिएट शेप में। तो हमने अराउंड 3 cups ऑफ ऑयल लिया है एंड नाउ वी फ्राई बस 1 type टैप करो एंड अपने आप इसको ले लो। नाउ इसको थोड़ा लाइट ब्राउन होने दो उसके बाद निकाल हो जाएगी। आई थिंक इट्स डन, तो नाउ वी कैन डू। सो वी आर गोइंग टू बी टेस्टिंग इट एज यूजुअल, हर वीडियो में तो करता ही हूँ। तो वन थिंग व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग एंड एक्साइटेड फॉर इज मेरा छोले कितना मेरी मम्मी के छोले के पास गया, क्योंकि शी मेक्स अमेजिंग छोले, बट भटूरे आज तक किसी ने बनाया नहीं हमारे मेरे फैमिली एटलीस्ट। तो मैंने बनाया, तो आई थिंक आई एक्सपेक्ट गुड ऑन फ्रॉम इट।
देखो तो अच्छे से लाइक राइज हुआ है, सो इट लुक्स प्रीटी गुड. मसाले का बेस होता है तो अगर वो परफेक्ट कर दिया ना, नथिंग कैन बीट यू फ्रॉम मेकिंग इट द बेस्ट. तो खड़े मसाले गिव अ लॉट ऑफ नाइस फ्लेवर लाइक स्पंज एंड अ बिट ऑफ स्वीट. जरूर ट्राई करना एंड बताना आपको कैसा लगा. अंटिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.